इरशाद तो बोलो यार। इरशाद हाँ स्वागत। एक डाल पे बैठे हैं दो कबूतर, दो कबूतरी सॉरी। एक डाल पर बैठे हैं दो कबूतर और दो कबूतरी, कबूतरी। अगले जो आने वाले हैं जल्दी से मारो एंट्री। है टैलेंट है ना किरण जी, फेंट हो गई उधर। मैं शिल्पा की इस पोइट्री पे बजर बजा सकती हूँ। Wow. Ladies in the house. आप लोग अपने ग्रुप को क्या बुलाते हो? क्या बात है? कहाँ से आप सब लोग? डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हो? नहीं सर, हम सब दिल्ली से हैं। सारे दिल्ली से हो? यस सर। बॉम्ब को अब फटना चाहिए। यस सर, फॉर श्योर। ऑल द बेस्ट, लेट्स गो। थैंक यू सर। फटा बॉम्ब फटा भाई। अनु मलिक की तरह मैं बोलूंगी आग लगा दी, आग लगा दी। इंडियाज गॉट टैलेंट नहीं, इंडियाज गॉट द बेस्ट टैलेंट। यस फॉर श्योर। मैंने ना नॉर्मली ये एक्ट लड़कों को करते हुए देखा है, बट तुमने कुछ और लेवल कर दिया। और मैं देख रहा था कि यार वो लड़की वाली चीज नहीं, एकदम से वो ये किया आ गया ना। करेक्ट। मैंने कहा भाई जब लड़कियां स्टंट्स करती हैं ना बड़ा कमाल लगता है। इट वॉज अ वेरी पावरफुल एक्ट। पावर जो है ना आपके एक्सप्रेशन में दिखाई दे रही थी मुझे। कहां से निकाल रही थी ये पावर? अरे कोई नहीं।
हेलो मैम एंड सर, मेरा नाम प्रियंका है। एक साल पहले मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। प्रियंका कितने साल के हो आप? सर 24। तो मैंने अपने हस्बैंड को शादी से पहले सब बताया था अपने डांस को लेके। तो उसने मुझसे कहा कि देख अब तुझे ये सब छोड़ना होगा, अपना क्रू छोड़ना होगा, और जो भी तू डांस वीडियोस बनाती है, फोटोज है तेरी इंस्टाग्राम पर, तू इन सबको हटा दे। मैंने वो सारी चीज़ एक्सेप्ट करी। फिर उसने मुझसे कहा कि देख मैं समझता हूँ तेरे आर्ट को, मैं शादी के बाद तेरी डांस अकेडमी ओपन करवा दूंगा और तू किसी के साथ वीडियो नहीं बनाएगी, तू अकेली वीडियो बनाएगी, मैं खुद तेरी वीडियो बनाऊंगा। मैंने वो भी एक्सेप्ट किया कि ठीक है। पर शादी के दो दिन के बाद मेरे से कहा कि मेरे से उम्मीद मत रखियो कि भाई मैं तेरी डांस अकेडमी ओपन करवाऊंगा। मैंने ठीक है, मैं डांस के लिए कभी बोलूंगी ही नहीं आप लोगों को, तो मैं ये चीज एक्सेप्ट करती हूँ। उसके बाद मैं अपने पग फेरे के लिए अपने घर गई थी कुछ दिन रहने के लिए, तो वो लोग मेरे को लेने नहीं आए। एक हफ्ते के बाद जी मैं वहां घर गई, हमने फोन किया तो फोन नहीं उठाई, तो मैंने सोची पास में तो हम एक बार पता कर आती हूँ क्या बात, क्यों नहीं लेने आ रहे। तो जी मैं गई उनके, तो कहते हैं हम नहीं लेके आएंगे, तुमने दिया है क्या? माँ जी क्या नहीं दिया, हमने तो अपनी उस असियल से ज्यादा दिया। उसके बाद जब उन्होंने मुझे मना कर दिया, मैं 2 महीने तक अपने एक रूम में बंद रही। जो बचा वो कम सा है, एक टुकड़ा धूप का, अंदर अंदर नम सा है, एक धागे में है उलझे हूं के बुनते बुनते खुल गए। हम थे लिखे दीवार पे, बारिश हुई और धुल गए। कोई भी उनसे पूछता तुमने लड़की को क्यों छोड़ा, कि वो लड़की अच्छी नहीं है, वो बेशरम है, वो नाच के पैसा कमाती है, वो क्लबों में डांस करती है। बस 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 बस, रोना नहीं है, रोना नहीं। झूठे मूठे वादों की है लहरों में बहना क्या। मैंने मैम उस दिन अपने आप से एक प्रोमिस किया कि मैं इस चीज को प्रूव करूंगी कि ना तो मैं बुरी हूँ, ना डांस बुरा है, ना डांस करने वाला कोई भी इंसान बुरा है। मैं इस मंगलसूत्र को अपने हाथ में बांधती हूँ और मैं इसको अपने गले में तभी पहनूंगी जब वो लोग मुझे मेरे डांस के साथ एक्सेप्ट करेंगे। अब मैं खुद से लड़ गई हूं, अब मैं हद से बढ़ गई हूं, जो चाहे अभी भी उसके पास जाना चाहती हूँ। कल को मुझे क्या पता मुझे फ्यूचर में इससे बुरा मिले। कुछ नहीं होएगा, मेरी बात सुन तू पहले, कुछ नहीं होएगा। और फ्यूचर के बारे में सोच के डर मत सर, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है, डरने की जरूरत नहीं है। क्या बात, मैं तेरे को लिख के दे रहा हूँ, लिख के खाली पेपर पे मुझसे साइन करा के ले जा, ये कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा है ना, तेरे पीछे पीछे आए वो दो मिलाते हुए, मेरा नाम बदल दियो तू। अगर वो
वापस भी आए गिड़गिड़ाते हुए, yes, तो मैं आपको पकड़ के मारूंगी अगर आप वापस चले गए। बिल्कुल वापस मत लेना। किरण मैम आप कुछ प्लीज दो, इसको अकल दो। मैम होती चिथड़े चिथड़े कर देती उस लड़के के। मैं उसके चिथड़े चिथड़े नहीं कर पाती क्योंकि मैं असली जिंदगी में भी नहीं कर पाई, क्योंकि लड़कियां जनरली इमोशनल होती हैं और मैं समझती हूँ कि एक बार शादी हो जाए तो मन से, वो मन से उतरता भी है लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल होता है उसका घर छोड़ना। आई अंडरस्टैंड दैट फील। लेकिन आप अपने पैरों पे खड़ी होइए, अपने ग्रुप के साथ परफॉर्म करिए, आप और ऊंचाइयों को छूइए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये हर चीज़ एक, और ये जो मंगलसूत्र हाथ पे लपेट रखा है किसी डब्बे में बंद कर दो, कभी यू नो कभी ना कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो बेच भी सकती हो, क्योंकि क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एक हुनर है। हर इंसान डांस नहीं कर पाता, एक हुनर है जिसे आपने पॉलिश किया है, संवारा है। आप और ऊंचाइयों को छूइए, वो ज्यादा जरूरी है। मेरी तरफ से बहुत बड़ी हाँ। मुझे लगता है आप सशक्त हैं, आप सक्षम हैं और दिल्ली की लड़की ऐसी होनी चाहिए जैसी आप हो। वेरी प्राउड ऑफ यू, मेरी तरफ से हाँ। ऑल द वेरी बेस्ट, मेरे लिए हाँ। टेंशन नहीं लेनी, अभी बादशाह भाई साथ में, भाई मिला है, yes. भाई से गिफ्ट नहीं लेगी। ये ले गिफ्ट।